आज मैं आपको आलू की कटलेट्स बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें 2 बॉयल आलू चाहिए और ये हरी मिर्च एक कटी हुई और एक प्याज कटा हुआ। ये हमने थोड़ी सी सेवइयाँ ली है और ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है और ये सूखी फुदीना लिया है। इस सेवइयाँ को हम क्रश कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, हमें इसी तरह अपनी सेवइयाँ क्रश करके रखनी है। और ये हमने अपने बॉयल आलू को पहले ही से मैश करके रखा था। अब हम इसमें अपने कटे हुए प्याज, हरे मिर्च और ये फुदीने सूखे हुए डाल देंगे। आप चाहें तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। और ये हम लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। जब आपके आलू ज़्यादा बॉयल हो जाते हो, उससे भी आप ऐसे कटलेट्स बना सकते हो। ये अब हम अच्छे से मैश कर लिया और अपने हाथों में रिफाइंड ऑयल लगाकर इसे कटलेट्स के शेप में बना लेंगे। फिर हम इसे अपने क्रश की हुई सेवइयाँ में अच्छे से डिप करेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। ये देखिए दोस्तों, हमें इसी तरह करना है। और अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। आपका तेल थोड़ा सही गर्म होना चाहिए, उसमें हम इसी तरह फ्राई करेंगे। ये जो हल्की सेवइयाँ अलग हो रही हैं तेल से, इसे आपको कोई वो नहीं है, ये हल्की होंगी। इसी तरह आपको इसमें फ्राई करना है। तेज आंच पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई करोगे। जब आपका आलू ज़्यादा बॉयल हो जाता है, तब आप इसे कटलेट्स बना सकते हो, क्योंकि उससे तो आप कुछ बना नहीं पाओगे। तो आप ये कटलेट्स अच्छे से बना सकते हो और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, हमारे कटलेट्स गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम इन्हें अपने प्लेट्स में निकाल लेंगे। अगर आप चाहो तो एक कटलेट्स को आप अपने तवा पर भी बना सकते हो, और इसे आप डीप फ्राई करना चाहो तो आप तेल में भी कर सकते हो इसी तरह। ये देखिए दोस्तों, हमारे आलू के कटलेट्स फ्राई होकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।